हेलो गाइज, वेलकम बैक विथ अनदर ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम लोग जाने वाले हैं शूज़ लेने, क्योंकि मेरे पास शूज़ नहीं अभी पहनने को। ये नकली से पहन के आया था एक कोई से, तो मुझे शूज़ लेना है अभी। तो थोड़ा खा पी लेते हैं इधर, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि मुकुल को ज़्यादा भूख लगी थी। उसको थोबड़ा देख सकते हो आप, यानी सोचो आप भोपाल आओ आप और ये भूखे मरते रहे, तो आप यहाँ खाने पीने आ जाओ इनके साथ। नहीं, मैं कटता नहीं हूँ गाइज, मैं नहीं कटता। हाँ, मेरा कट चुका है तो अब नहीं कटता मैं। अभी कोई दिक्कत नहीं, सेट है। अभी ये खा पी के उसके बाद चलते हैं अपन शूज लेने। तो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं राजू टी स्टॉल पे, जो काफ़ी फेमस है भोपाल में चाय के लिए। इसकी जो चाय रहती है वो काफ़ी टेस्टी रहती है। बहुत भीड़ लगी हुई होती है यहाँ पे, जो भी आता है बाहर से वो यहाँ पे चाय पी के ज़रूर जाता है। क्यों, एक बार वो भी आया था ना, राहुल गांधी भी आ चुका है यहाँ पे चाय पीने को। तो ये सबसे अच्छी जो चाय बनती है वो यहीं पर बनती है। अभी जूते वगैरह तो मैंने ले लिए थे गाइज, एक्चुअली क्या है उनके यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था अंदर, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। काफ़ी अच्छे जूते हैं उसके पास, और ये मैंने अभी ले लिए हैं। और ये है फर्स्ट कॉपी कैनवास की, तो काफ़ी अच्छा जूता है, अगर आपको लेना हो तो आप आ सकते हो, सिटी में मिलता ही है। तो गाइस, ये है 45 रुपये की चाय, तीन चाय है एक्चुअली। ये देखो 15 रुपये की एक चाय मिलती है यहाँ पर, तो अब पी के बताते हैं कैसी क्या लगती है अपन को। गाइस देखो, ये तो बंदा है ना, ये हमारा दोस्त है, ये यहीं पे काम करता है। देखो, भेदभाव नहीं करना चाहिए कभी, मैंने इससे दोस्ती करी, देखो सोचो आप। तो गाइस, ये आ चुकी है अपनी चाय, और तो काफी अच्छी चाय है, कड़क चाय है एक्चुअली, कड़क चाय है काफी यहाँ की, बाकी नॉर्मल जैसी चाय होती है वैसी है, बस थोड़ी कड़क बनती है यहाँ की चाय। तो गाइज, ब्लॉग करते हैं अपन यहीं एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।